मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करना चाह रहा हूँ, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ साहब, मेरे को लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ, मेरे को पुलिस का सपोर्ट होना खाली बस। राउडी शीटर पर हुआ जानलेवा हमला। जी हाँ नाजरीन, खबर है आराम घर से, जहां पर एक राउडी शीटर जिसका नाम ख्वाजा पाशा बताया जा रहा है, उनके ऊपर कुछ लोगों ने तेज़धार हथियारों से हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा पाशा का पान शॉप है जो आराम घर पे वाक़े है, और वो राजेंद्र नगर PS के राउडी शीटर बताए गए हैं जो शास्त्रीपुरम के इलाके में रहते हैं। ज़ख्मी को इलाज के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। आइए मज़ीद तफसीलात ख्वाजा पाशा की ज़ुबानी सुनिए। मेरा नाम सैयद ख्वाजा पाशा है, मैं राउडी शीटर हूँ, पुलिस में कुछ मौका दिए, एक डब्बा खोल के जिले रहा हूँ बोल के, उसके बाद मैं 1 तारीख को डब्बा ओपनिंग करा, ओपनिंग करने के बाद में मैं अच्छा सुकून से जिले रहा था, सुबह 4:15 को डब्बा खोल रहा था मैं। आज वो क्या हुआ, सीधा आके सिगरेट लेने के वास्ते मेरे को हाथ डाले डब्बे में, सिगरेट जैसा देते कि आँखों में मिर्ची डाले मेरे, मिर्ची डाल के मारना चालू कर दिया मैं कत्तों से उत्तों से, 15 टाके हैं मेरे को पूरे जिस्म पे। मारने की वजह ये है, पुरानी दुश्मनी थी, पुरानी दुश्मनी ये थी, मेरे भांजे को चाकू मारे थे लगा पेट में, वो हिसाब से मैं जेल में गालियाँ दिया था इनको, तो जेल में गालियाँ दिया बोल के बदला लेने के वास्ते मेरे को मारे लोग, हाँ मेरे शॉप पे आके मारे। इसमें 6 जने थे, 2 जनों का नाम तो नहीं मालूम मेरे को, तैयब 2 दिन से फॉलो कर रहा था दिल्ली से, तैयब मेरे को दिल्ली तैयब बोलते हैं, इंडिया नगर में रहता, 2 दिन से फॉलो कर रहा था उसे, फिर उसके बाद में और एक पहलवान का ने काम करता बच्चा, उसका नाम कुछ मोहिनी उन्हें है, उसको चिन्ना आया, फिर चिन्ना आके देख रहा था, साजिद आके मैं वो कत्ते से मार मिर्ची मारा आँखों में, साजिद मिर्ची आँखों में मार के कत्ते से वार कर दिया फैला मेरे को कमर पे, फिर आया मोहसिन, ये कान पे, ये कान पे मारा, सर पे मार रहा था उन्हें, मैं मुंडी ऐसा झुकाया, झुकाने के बाद में साजिद यहाँ मारा, चिन्ना आया यहाँ मारा कमर में, कमर में चिन्ना मारा, कत्ते थे नारियल के कत्ते थे, हाँ, और 2 दिन से फॉलो कर रहे थे मेरे को, लगा मेरे को समझ में नहीं आया, वो मतलब बस स्टॉप है मेरे कहने भी सामने, कहीं को है वो नहीं मालूम था मेरे को। पुलिस में कंप्लेंट करे, पुलिस का रिस्पांस मेरे को शुरू से अच्छा मिला, राजेंद्र नगर PS से रोडी शूटर हूँ मैं, यहाँ पर कंप्लेंट करा मैलारदारपल्ली PS में कंप्लेंट करा मैं, साहब आए ट्रीटमेंट लिए मेरा, साहब आके पूरा बंदोबस्त के साथ आए थे, मेरे को रिस्पांस दिए, जाके उन लोगों को पकड़े भी, वहाँ पर 1 जने को पकड़ लिए गए थे और 3-4 जने भागे हुए, रिक्वेस्ट है साहब वो 3-4 जनों को भी पकड़िए आप, बस पुलिस से इतनी हेल्प होना मेरे को। मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करना चाह रहा हूँ, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ साहब, मेरे को लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ, मेरे को पुलिस का सपोर्ट होना खाली बस, एक हेल्प होना मेरे को पुलिस की, बस गुजारिश है पुलिस से। मेरा भाई है ख्वाजा पाशा, मैं उनकी बहन बात कर रही हूँ, आरामगढ़ पे डब्बा है मेरे भाई का पूरा छोड़ के, उन्होंने कोई रोडी शीटर में कुछ नहीं है, अच्छा जी ले रहे थे, जाके डब्बा खोले रहे थे, 4:30 बजे डब्बा खोले उन्होंने, 6 बजे ऐसा हमला करे मेरे भाई पे, रह रहे भी नहीं हसन नगर में, मेरा भाई यहाँ रह रहे नहीं, शास्त्रीपुरम में आके रह रहे उन्होंने, आके वहाँ डब्बा खोले रहे, वहाँ जाके हमला करे, चिन्ना है, साजिद है, और बोलते सो और 4 जने हैं, तैयब है ना, तीनों मिलके हमला करे, 3 जने फॉलो कर रहे थे बाहर ठहर के आरामगढ़ पे, और उन लोगों को पकड़िए तेलंगाना पुलिस।